नमस्कार और स्वागत है आपका मान्या एजुकेशन में। आज के लेसन में हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। पिछले लेसन में हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जाना था। ये जो हमारा लेसन है ये MPPSC 2020 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल है और जो यूनिट हम कवर कर रहे हैं वह है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये लेसन शुरू करें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आप हमारे चैनल पे आने वाले जो वीडियो लेसन्स हैं उसके नोटिफिकेशन पा सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं आज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन कंप्यूटर और हार्डवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर में जितने हार्डवेयर लगे हैं इनको पहचानेगा कौन, ये पहचानने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सॉफ्टवेयर को भी बेसिक टास्क प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जैसे आप MS Word यूज़ करना चाहते हैं तो इसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के लिए, वो प्लेटफॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेज सच एज डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। मतलब ये है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो होना ही चाहिए आपके कंप्यूटर में, नहीं तो आपका कंप्यूटर चालू नहीं होगा। और वो सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, आउटपुट इनपुट को हैंडल करता है और आपके कंप्यूटर में जो डिवाइसेस लगे हुए हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या समझ गए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और कुछ बेसिक टास्क करता है जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग और कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि ये किस लेवल पे काम करता है, ठीक है। ये जो हमारा, देखिए सबसे पहले तो यूजर जो कि हम हो जाते हैं, है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बेसिकली ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करता है। हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये दो तरह के सॉफ्टवेयर हो गए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा संचालित होते हैं, इनका कंट्रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और क्या कंट्रोल होता है, हार्डवेयर का कंट्रोल होता है। हार्डवेयर में CPU पर आ जाता है, RAM आ जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आ जाते हैं, वो सारे के सारे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्लेटफॉर्म किसको किसको देता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और सिस्टम सॉफ्टवेयर को। कंट्रोल किसको करता है, हार्डवेयर को, ठीक है। और यूजर जो है वो किससे जुड़ा रहता है, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से किससे जुड़ा रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री थोड़े से समय में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो कंप्यूटर में 1950s से लगने शुरू हुए। इससे पहले के जो भी कंप्यूटर होते थे वो प्रोग्रामेबल तो होते थे लेकिन उनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी चीज जो है वो नहीं होती थी। जनरल मोटर्स लैब जो था, रिसर्च लैब, उन्होंने पहला OS जो है 1950 में अपने IBM 701 इस कंप्यूटर में इस्तेमाल किया था। 1960 तक ये डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, कोई भी अपने कंप्यूटर में इसको डाल सकता था। यूनिक्स जो है, जो कि सबसे बढ़िया नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी माना जाता है, 1960s में डेवलप हुआ था। पहला OS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बिल्ड किया गया था और वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, और 1981 में वह 86 डॉस के नाम से बना था सिएटल कंपनी के द्वारा। बाद में सिएटल कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने अधिग्रहण कर लिया। आज के डेट में जो विंडोज चलता है, जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, इसका पहला वर्जन 1985 में बना था। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी कि इसमें माउस वगैरह चलता है, इसमें आप देख सकते हैं अपनी फाइलों को
और ये एमएस डॉस के साथ इंटीग्रेट किया गया था। तो ये शॉर्ट में हिस्ट्री है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। इस इंसान को पहचान लीजिए, इनका नाम है गैरी आर्लन किल्डाल। 1942 में इनका जन्म हुआ, 1994 में इनका देहावसान हुआ। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और माइक्रो कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर थे और इन्होंने दुनिया का पहला सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया था, सक्सेसफुल कॉमर्शियली सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस बेसिस पे आज के ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं। जब इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बनाया, टेस्ट किया, उससे पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे लेकिन वो डिफरेंट प्रकार के थे। आज हम जिस प्लेटफॉर्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करते हैं उसका आइडिया गैरी आर्लन किल्डाल का था और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहा जाता है, फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा इनका, गैरी आर्लन किल्डाल। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स कौन कौन से होते हैं, ये प्रोटेक्टर और सुपरवाइजर मोड पे चल सकता है। सुपरवाइजर मोड यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मोड यानी कि आप उसमें चेंजेस कर भी नहीं सकते और बहुत सारी चीज़ें उसमें चलती भी नहीं है उसके बाद, वो सिर्फ प्रोटेक्शन वाले मोड में रहता है कि कोई बाहर का सॉफ्टवेयर आके उसको हानि ना पहुंचाए। डिस्क एक्सेस, फाइल सिस्टम्स, ये सब चीज़ों को, नेटवर्क यूटिलिटी वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है इसमें ताकि सेफ तरीके से प्रोग्राम आपका चल सके। मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, मल्टीटास्किंग वगैरह होती है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का हैंडलिंग होता है। फाइल सिस्टम का मैनिपुलेशन होता है कि फाइल्स किस तरह से, उनका नेमिंग कन्वेंशन होगा, किस तरह से उनका सेविंग कन्वेंशन होगा। एरर डिटेक्शन और हैंडलिंग, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि कंप्यूटर खुद बताता है कि उसमें क्या गलती है, ये कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, किसको कितनी मेमोरी दी जाएगी, किसको कितना टाइम दिया जाएगा, ये सब टाइम शेयरिंग वगैरह, ये सब पूरा रिसोर्स एलोकेशन का काम, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इंफॉर्मेशन और रिसोर्स प्रोटेक्शन यानी सिक्योरिटी, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है तो कर्नल के बिना पूरी नहीं हो सकती। एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कर्नल, जो कि घुमा फिरा के हम ऐसा बोल सकते हैं कि सभी चीज़ों का मास्टर होता है, सभी चीज़ों का लीडर होता है। एक सेंट्रल कंपोनेंट है, कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सेंट्रल कंपोनेंट के रूप में काम करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका काम क्या है, टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। और ये कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यदि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपस में कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो फिर कंप्यूटर किसी काम का ही नहीं रह जाएगा आपके। ठीक है ना, यदि आप कुछ लिखना चाह रहे हैं और जिस सॉफ्टवेयर को आपने ओपन किया है लिखने के लिए वो यदि आपके कीबोर्ड से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो आप लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो इसलिए कर्नल इम्पॉर्टेंट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। और कर्नल को न्यूक्लियस ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन पॉसिबल करता है। एक इनर मोस्ट पार्ट है और शेल जो होता है इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सॉफ्टवेयर होता है शेल, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूजर जो है वो टर्मिनल से जुड़े होते हैं, टर्मिनल्स जो हैं वो कर्नल से, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल और शेल ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं और हार्डवेयर से बाद में कंप्यूटर जो है इंटरेक्ट करता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से यानी कि फाइनली जाके यूज़र से इंटरेक्ट कर पाता है। फंक्शंस क्या हैं, मैंने वैसे तो काफ़ी फंक्शंस के नाम ले लिए हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस यानी कौन सी प्रोसेस कब चलेगी, किसके बाद चलेगी, कब रुकेगी वगैरह वगैरह, ये सारी डिसीजंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, क्या एलोकेशन होगा, किस सॉफ्टवेयर को कितना मेमोरी दी जा रही है, कितनी टेम्परेरी मेमोरी दी जा रही है, ये सारा का सारा एलोकेशन और कब मेमोरी फ्री होगी, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट के तहत ही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल मैनेजमेंट यानी फाइल का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होगा, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, सभी डिवाइसेस का ट्रैक रखना, ठीक है, और कौन सा डिवाइस कब परफॉर्म करेगा, कब डीएलोकेट होगा वो डिवाइस, ये सारी चीज़ें डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत। उसके बाद इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम लोग वैसे कई बार बात कर चुके हैं कि इनपुट आउटपुट के जो हार्डवेयर्स हैं और उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके बिना फिर कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है।
तो ये फंक्शन जो है इनबिल्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज यानी कौन कौन से हो गए, पिछले लेसन में हम लोग जान चुके हैं, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, जिसमें हम लोग परमानेंटली अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। इनको पहचानना, इनका जो किस तरह से स्टोरेज मैनेजमेंट होगा वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। इसमें एक कैशे स्टोरेज भी आता है। कैशे स्टोरेज एक ऐसी मेमोरी होती है जो हमारी प्राइमरी मेमोरी को थोड़ा फास्ट बनाने के काम आ जाती है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो है वो प्राइमरी स्टोरेज या कैशे में किस तरह से स्टोर की जाएगी, क्या रेफरेंसिंग होगी, एक दूसरे से जो फाइलों की लिंकिंग होगी वो किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। उसके बाद सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, ये सब सारी चीज़ें, अनऑथराइज्ड एक्सेस कहीं ना हो जाए, कोई मालवेयर थ्रेट ना आ जाए, ये सारी चीज़ों का ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है। इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये करते हैं। कमांड इंटरप्रिटेशन, जब आप CUI यूज़ करते हैं, कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को तो वो एग्जीक्यूशन करवाना। नेटवर्किंग, एक कंप्यूटर में दो लोग जुड़े हों या फिर एक कंप्यूटर आपका किसी दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हो, कौन सा मेमोरी शेयर करना है, कौन सा हार्डवेयर शेयर करना है, किस तरह से काम करना है, पूरा ये पूरा का पूरा प्रोसेस नेटवर्किंग से रिलेटेड ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी डले होते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, यूनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने विंडोज NT का नाम भी सुना होगा। विंडोज NT भी एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नेटवर्क के लिए था रहा है। जॉब अकाउंटिंग यानी किसी भी प्रोसेस को कितना समय लगना है, कब उसका समय रोका जाना है, कब उसको वापस समय दिया जाना है, ये सब टाइम शेयरिंग जैसी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह, ये सब चीज़ों में आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, कौन सी भाषा में कम्युनिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन से। अब हम लोग जान लेते हैं कि कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बैच फाइल्स पे चलता है। एक होता है मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक साथ कई टास्क चल सकते हैं और टास्क आपस में टाइम डिवाइड करके काम करते हैं। एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो तब एक्टिव होते हैं जब उनमें प्रोग्राम किया हुआ कोई इवेंट आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड OS नेटवर्किंग में काम आते हैं, नेटवर्क OS भी नेटवर्किंग में काम आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड OS और नेटवर्क OS में एक डिफरेंस होता है, नेटवर्क पे यदि कंप्यूटर है तो सर्वर पे नेटवर्क OS लगाया जाता है, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लाइंट कंप्यूटर पे भी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाए, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन सर्वर पे जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटेड OS होता है जिसमें एक पूरा का पूरा सपोज करिए नेटवर्क है जिसमें एक सर्वर है और चार उसमें क्लाइंट है। तो यदि आपने सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूटेड OS लगाया है तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बाकी चार ऑपरेटिंग जो चार क्लाइंट हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ये नहीं होता। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि हमारे मोबाइल्स में होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम और जान लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, बैच प्रोसेसिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम, सम कंप्यूटर प्रोसेसेस आर वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग टू स्पीड द सेम प्रोसेस अ जॉब विद अ सिमिलर टाइप ऑफ नीड्स आर बैच्ड टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप। मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उनको एक साथ एक बैच बना के एक साथ रन कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यूजर जो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कभी भी कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता है, ठीक है। सभी लोग अपना अपना काम करते हैं और फिर सिमिलर काम एक साथ ही बैच प्रोसेसिंग में चला जाता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अटेंडेंस सिस्टम का। जैसे आपने पंच कार्ड वैसे तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए अटेंडेंस के, जियो लोकेशन बेस्ड ऐप्स वगैरह हैं आजकल बहुत एडवांस हो गया। तो जैसे सपोज करिए कि पंच कार्ड से बहुत सारे लोगों ने अपना अपना जो अटेंडेंस है वो डाला, ठीक है। अब वो जो रिपोर्ट निकलेगी वो इकट्ठा सारे लोगों का अटेंडेंस इकट्ठा निकलेगा, अलग अलग लोगों की एंट्रीज जो हैं वो रिपोर्ट में एक एक करके नहीं जाएंगी, बैच प्रोसेसिंग होगी इसकी ना, दिन में एक समय पर बैच प्रोसेसिंग हो जाएगी। उसी प्रकार से मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेशंस होते हैं जिसमें
कुछ जो सिस्टम होते हैं ये ऐसे काम करते हैं, जैसे पीपल लोकेटेड एट अ डिफरेंट टर्मिनल और शेल टू यूज अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम एट अ सेम टाइम। यानी कि एक ही कंप्यूटर है, टास्क कई सारे हैं, कई लोग चाहते हैं कि उस कंप्यूटर पे अपना कुछ टास्क पूरा करें, तो ऐसे केस में हम लोगों को मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, जो कि प्रत्येक टास्क को इनपुट ले ले, लेकिन एक एक करके सब टास्क को टाइम शेयर करके उनको प्रोसेस करें। तो इसके लिए स्पेशल टाइप के मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, जो कि किसी इवेंट पे होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल, जैसे कि मिलिट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, स्पेस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स वगैरह हो गए, जहाँ पे कोई इवेंट आया। जैसे सपोज करिए कि गर्मी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, तो उस टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए, जैसे 45 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो कुछ काम करेगा कंप्यूटर, ठीक है। यानी किसी न किसी इवेंट पे, किसी न किसी कंडीशन पे काम करता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम को कई डिफरेंट मशीन्स जो हैं वो शेयर कर लेती हैं, तो ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत हमको पड़ती है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सर्वर पे रन करता है और सर्वर से बहुत सारे डेटा, यूज़र ग्रुप वगैरह वगैरह ये सब जोड़ दिए जाते हैं, उनके सिक्योरिटी वगैरह ये सब सारी चीज़ों का मैनेजमेंट जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल्स में यूज़ होता है, स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, वेरेबल डिवाइसेस में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉयड है, iOS है जो कि आईफोन्स में लगता है ना, एंड्रॉयड बहुत पॉपुलर है, और ब्लैकबेरी, वेब, वॉच OS, ये सब जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्मार्टफोन, टैबलेट या वेरेबल डिवाइसेस में लगते हैं। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर के पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, विंडोज़ सबसे ऊपर नाम लिखा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। लिनक्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम OS गूगल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल, पॉपुलर भी हो रहा है। उबंटू जो है वो एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो आजकल बहुत पॉपुलर ये भी हो रहा है। ज़ोरिन OS, रिमिक्स OS, हाइकू, मिनिक्स, मैक OS, ये सारे के सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हालांकि इसमें से विंडोज, लिनक्स ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मोबाइल में एंड्रॉइड का नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, iOS यानी कि आईफोन्स में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़, ब्लैकबेरी, टाइजन, ल्यूनो OS, ये सब जो है वो पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एक ज़माने में कंप्यूटर में DOS बहुत पॉपुलर था, अब तो उसका यूज़ बंद हो गया, और इसी प्रकार से नोकिया के मोबाइल्स में पहले आपको सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता था, आजकल वो भी, उसका भी यूज़ हो गया है कम। तो ये सब जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके नाम जरूर याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने जाना है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आपने इस लेसन में सीखा होगा। यदि आपको कोई डाउट है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, और आपके फीडबैक से ही हमें फिर ये पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये लेसन्स। आप अपने फीडबैक में बिल्कुल खुल के बताइएगा कि लेसन्स हमारे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, तो हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं। अगले लेसन में हम लोग जानेंगे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है और इसका क्या फ़ायदा है हमें हमारे ऑफिसेज में, घरों में, हमारे समाज में, सोसाइटी में, इस तरह से ICT का क्या रोल है वो हम लोग जानेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन रहने वाला है, तो उसे देखिएगा ज़रूर। मुलाकात होगी अगले लेसन में, फिर से नमस्कार।